एजुकेशन विथ मी आशीष सर, हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के बोर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली सेम स्पेस। क्या एक अम्ब्रेला है उसके अंदर कितने 8 रिब्स है। ओके, हम इस तरह से जो उसके रिब्स है वो कितने 8 रिब्स है और इक्वली स्पेस यानी कि क्या है, हर एक दो रिप्स के बीच में जो स्पेस है वो भी कैसे है, इक्वल स्पेस है। और आपको रेडियस ऑफ द रेडियस दे दिए यानी कि लेंथ ऑफ द रिप्स क्या है, लेंथ ऑफ द रिप्स आपके पास गिवन है यानी कि आर इज इक्वल टू कितना है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिप्स यानी कि दो रिप्स के बीच में कितना एरिया होगा। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यानी कि टोटल एंगल कितना होता है 360 है, 360 अपॉन नंबर ऑफ द रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स, ओके, नंबर ऑफ रिब्स। तो 360 नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं 8 है, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा। कितना मिलेगा आंसर 45। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी कि दो रिब्स के बीच में एरिया यानी कि क्या है, जो रिब्स है रिब्स के बीच में एरिया यानी कि क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, हम क्या लेंगे 22 अपॉन 7 सॉरी, और आर आर की वैल्यू क्या है 45 × 45। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है 45 8 जा हो जाएगा खत्म, यहाँ पे इसको कट करो तो यहाँ पे क्या होगा 11 2 जा 4 2 जा, ओके 2 कैंसिल, तो 7 4 जा कितना होगा 28 और ऊपर 45 × 45। तो आप लोगों को 45 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक यानी कि जो लास्ट में 5 आता है उस टाइम पे क्या यूज करने का, 4 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 11 का 11 रख देते, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 5 जा 20 और 25 इस सब का 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको मिलेगा आंसर यहाँ पे 5 का 5 5 प्लस 2 7 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 2 का 2 अपॉन 20। एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर ये कर रहा हूँ। ओके, यही हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 2 2 2 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बिटवीन द टू रिब्स यानी कि 2 2 2 7 5 अपॉन 28। Thank you, student, watching for videos.